नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी आज डिवाई में हूं और डिवाई में आज शिक्षा का सेमिनार और करियर मार्गदर्शन का आयोजन हुआ है और इस संबंध में नव चयनित डीएसपी कुंजलता वर्मा जी डिवाई में आई हुई हैं। तो मैम, क्या क्या संघर्ष रहा है आपका और क्या क्या यात्रा रही है डीएसपी पद पर पहुँचने के लिए? सर्वप्रथम सभी के लिए नमस्कार। मैंने अपना, अगर मैं अपनी प्राइमरी स्कूल शिक्षा को देखूं तो मैं 8th की पढ़ाई गांव में की है प्राइमरी स्कूल से। उसके बाद मैंने 12th तक की पढ़ाई एक चंजल गर्ल्स सेंटर कॉलेज अलीगढ़ में है वहां से की है। अब बीएससी और एमएससी मैंने डीएस डिग्री कॉलेज से किया है जो कि आगरा यूनिवर्सिटी से अटेस्ट है। और उसके बाद 2017 में मैंने तैयारी स्टार्ट किया और 17 के बाद 18 में मेरा पहला मैंने प्रीलिम्स दिया अपना यूपीपीसीएस के लिए, जिसमें मेरा 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ। और उस दौरान थोड़ी समस्या रहती है, प्रीलिम्स नहीं होता है आपका। उसके बाद मेरा 19, 20 और 21 में मेरा मैंने प्री हुआ मैं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य से मेंस नहीं हुआ। और 22 में मेरा प्री भी हुआ, मेंस हुआ, फाइनल मेरा सिलेक्शन हुआ डीएसपी पद के लिए। और थोड़ा ये 5 साल का मेरा सफ़र रहा, चुनौतीपूर्ण भी था, लेकिन कहते हैं कि जब आप कठिन परिश्रम करते हैं, धैर्य रखते हैं, संयम रखते हैं और आपको अच्छे गुरुओं का मार्गदर्शन मिलता है, अच्छे दोस्त मिलते हैं, तो सफलता मिलती है। तो निरंतर प्रयास करते रहें और अंत में कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है। जब आप प्राप्त कर लेते हैं तो लगता है लास्ट में कि हाँ, सब कुछ एक मिल जाने के बाद लगता है कुछ नहीं था वो। तो समय लगता है, करते रहें और अपना 100% दें और सब लोगों का सहयोग मिलना बहुत ज़रूरी है। और मैम, सिविल सर्विस मार्गदर्शिका में जिसमें आप पढ़ी हैं उनमें पंकज कुमार वर्मा सर हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? अगर मैं पंकज वर्मा सर के लिए कुछ कहूँ तो शायद मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो किया है हमारे क्षेत्र में या सभी स्पेशल अलीगढ़ के ही नहीं, वहाँ इंडिया के अलग अलग प्रदेशों से भी बच्चे जुड़े हुए हैं। क्योंकि उन्होंने जो मुहिम छोड़ी अलीगढ़ में कोई कल्चर नहीं था इस चीज़ का, लेकिन आज अलीगढ़ में ISPCS पैदा हो रहे हैं। तो शायद उनके लिए कोई शब्द नहीं है, लेकिन उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। उनकी पूरी टीम सर की है, सिविल सर्विस मार्गदर्शिका जिसमें कोचिंग है हमारी, वहाँ के सभी अध्यापकों, जैसे कि वहाँ राजवीर सर हैं इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, और राघवेंद्र सर थे, विभा श्रीवास्तव मैम थी, और राजकुमार गुप्ता सर थे, रिंकू भैया जो रिंकू सहयोगी नाम से जाने जाते हैं, बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि एक छोटी सी सर ने स्टार्ट की थी वो, और आज वो पूरी इंडिया में चर्चा का विषय बन गई है। हाँ, तो मैम हमारे लिए कुछ नहीं, तो सर के लिए और अपनी पूरी कोचिंग के लिए। अच्छा, हम आसपास देख रहे हैं कि इतनी महिला सशक्तिकरण है और लड़कियां भी हैं, इन लड़कियों के लिए आप क्या निर्देश देना चाहेंगी पढ़ाई के लिए? लड़कियों के लिए यही कहना चाहेंगे भाई, लड़कियां, स्पेशली लड़कियां ही, जितना आपको मौका मिले छोड़ो मत, क्योंकि मौका बहुत नसीबदारों को मिलता है, जिसकी किस्मत में कहते हैं किस्मत ही होती है कुछ लोगों की, क्योंकि परिवार का जो साथ होता है, लेकिन अवेयर है मिलता है, लेकिन फिर भी जितना मिलना चाहिए, जितना बॉयज़ को मिलता है वो नहीं मिलता है। लड़कियां मेहनत करें, निरंतर प्रयास करें। क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो कठिनाई आती है वो किस चीज़ की आती है? उसमें बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं, जैसे कि हम और सबसे ज़्यादा जो महिलाओं को जो कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं उससे तो आप खुद गुजर चुकी हैं मैम, तो उसके बारे में आप हमको बताइए। अगर स्पेशली महिला, हम सभी की बात करती हैं, देखिए ये जो शिक्षा है, क्योंकि हमारे देश में हर तबके का व्यक्ति निवास करता है, जिसमें गरीब भी हैं, अच्छे अच्छे पैसे वाले भी हैं, तो फाइनेंशियल ही आते तो जो बच्चे गरीब होते हैं, वंचित होते हैं चीज़ों से, इनको नहीं मिल पाता है, तो उनको जो वित्तीय समस्याएं होती हैं बहुत उनका सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब आगे बढ़ने के लिए मुझे लगता है कि पैसा ही बहुत ज़रूरी है। जब आप बुक नहीं लेके आएंगे, किताब नहीं लेके आएंगे, पेन नहीं लाएंगे, किताब नहीं लाएंगे, तो आप कैसे पढ़ेंगे आगे? तो पढ़ने के लिए फाइनेंशियल समस्या बहुत रहती है, जो बच्चे कमज़ोर रहते हैं, उनके परिवार जो कमज़ोर होता है। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? महिलाओं के लिए यही है जैसे मैंने किया जी, और भी लड़कियां हैं, निरंतर प्रयास करें, उनको अगर मौका मिले तो मौका छोड़े नहीं, अच्छे से धैर्य रखें, अपनी चीज़ों को करें,
और जो भी कुछ कहे आपका पड़ोसी हो, कोई भी हो, किसी की सुने नहीं, अपने दिल की सुने, मन की सुने, और जो आपको करना है उस पर टारगेट रखें। दुनिया की छोड़ो यार, जरूरत क्या दुनिया की सुनने की। इंटरव्यू में होता है कि लोग इंटरव्यू को लेकर असमंजस में पड़े रहते हैं कि क्या पूछा जाएगा, क्या होगा, तो इंटरव्यू को लेकर लोग घबराएं नहीं। लड़की जो आपकी आदर्श बनाए आपको, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? देखो, इंटरव्यू के लिए समस्या मेरे साथ भी थी, जो कि मेरे साथ भी था, स्टेज फियर बहुत ज़्यादा था मेरे अंदर, क्या बोल नहीं पाती थी। लेकिन कहते हैं जब विश्वास होता है, क्योंकि मेरे ऊपर मेरा खुद का कम विश्वास था, लेकिन मेरे जो गुरुजी थे, मेरे दोस्त थे, उनको बड़ा विश्वास था कि तू कर जाएगी, डरना मत, जाके मैं बैठ जाना शांति से, जो पूछा जाए, एक मासूम बच्चे की तरह बैठना और उसके आंसर देना, बस उसी से तेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। और देखो, मैंने उस चीज़ को फॉलो किया, तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे हमें लगता है हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे आप बढ़ते जाते हैं, रास्ते खुलते जाते हैं, आपको मंजिल मिल जाएगी एक दिन, और लंबा सफ़र भी हो सकता है, बहुत जल्दी मिल सकती है। मेरे कई दोस्त हैं, उनको बहुत जल्दी हुआ, एक अटेम्प्ट में हो गया, मुझे लंबा। अलीगढ़ आपका गांव है और भकरौली, वहाँ पर बहुत कम जनसंख्या है लोगों की, इतने छोटे से गाँव में इतना बड़ा पद आपने लिया है, गाँव वालों में किस तरीके का माहौल था जब आप DSP का रिजल्ट आया था आपका? गाँव में एक तरह जश्न सा मनना था पूरा, ऐसा लग रहा था कि ये मैं अकेली नहीं हुई सेलेक्ट, इसमें पूरा गांव सेलेक्ट हो गया, और सब लोग जश्न बना रहे थे गांव में, घर आ गए सभी लोग, और दूसरे दिन भी रोड शो हुआ, पूरा गांव मेरा एकत्रित हो गया वहां पर, सभी ने मेरे बच्चे स्वागत किया, वेलकम किया, तो गांव में बहुत अच्छी एकदम लहर सी दौड़ गई है। तो ये एक ऐसा लग रहा है कुछ एक नया सा मिल गया गांव वालों को, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे गांव का नाम हो गया, भकरौला का नाम हो गया।